नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट हसल। दोस्तों, WTC के फाइनल में अंपायर कर रहे हैं भारत के खिलाफ साजिश, तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच साउथहैम्पटन के एजिस बाउल मैदान पर खेला जा रहा है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। भारत ने 3 विकेट खोकर 146 रन बना लिए हैं। इस समय कप्तान विराट कोहली और उप कप्तान अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद हैं, जहां पर विराट कोहली 44 रन व अजिंक्य रहाणे 29 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। जबकि वहीं रोहित शर्मा 35 रन और शुभमन गिल 28 रन और चेतेश्वर पुजारा 8 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट चुके हैं। भारत के कप्तान विराट कोहली अपनी पारी के दौरान अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ के उनके खिलाफ रिव्यू लेने से नाराज दिखे। दरअसल भारतीय पारी के 41वें ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने लेग स्टंप से बाहर जाती गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद विकेट कीपर के पास गई। इसके बाद तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट कैच आउट की अपील करते हैं, लेकिन कीवी टीम के कप्तान केन विलियमसन निर्धारित समय के अंदर DRS नहीं लेते हैं। इसके बाद अंपायर रिचर्ड लिंगवर्थ लेग अंपायर से इस बारे में बात करते हैं। अंपायर रिव्यू लेने का फैसला करते हैं। इसके बाद कोहली ने अंपायर ने इसे लेकर बातचीत की। कोहली का मानना था कि अंपायर ने पहली बार में आउट की अपील को ठुकरा दिया और विरोधी टीम के कप्तान DRS नहीं लिया, तो फील्ड अंपायर ने कैसे रिव्यू लेने का फैसला किया। जब टीवी अंपायर थर्ड अंपायर ने पूरी तरह से देख लिया गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, तो फील्ड अंपायर को खेल जारी करने का निर्देश किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अंपायर को ऐसी हरकत करनी चाहिए थी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।